तो सर आज हम बात करने वाले बेस्ट गेमिंग फोन जो आप खरीद सकते हैं जिसके अंदर आपको सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी मिलेगी, मतलब एक एक पैसे का आपको पूरा मजा मिलेगा। तो यहाँ पे एक ऐसे फोन के बारे में हम बात करना है जिसके अंदर आपको 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट, साथ में बैटरी बैकअप बहुत ही शानदार, इसके अलावा एकदम फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर जो कि आपका बहुत ही मस्त परफॉर्मेंस आपको निकाल के देगा, गेमिंग एक्सपीरियंस भी आपका फुलफिल करेगा, साथ ही आपका बाकी वाला जो नॉर्मल एक्सपीरियंस है गेम का, आई मीन फोन का, वो भी काफी अच्छा रहेगा। तो फटाफट से जानते हैं वो कौन सा फोन है जो आपके लिए बेस्ट रहेगा मिड रेंज कैटेगरी के अंदर। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं वीर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस विश के माल एपिसोड के अंदर। आप देख रहे हैं टेक्निकल गॉसिप। चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर मैं फ्रैंकली कहूं तो जो बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है वो आपको मिड रेंज फोन के अंदर ही मिल पाती है, बिकॉज 20-22 हज़ार तक आपको इतनी अच्छी खासी चीज़ें मिल जाती हैं जो आप भले ही 70-80-1 लाख रुपए खर्च करेंगे तो उतना डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा जितना आप 10,000 और 20,000 के अंदर आप डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यार आज जिस फोन को हमने लिया है वो बेसिकली वीवो का एक सब ब्रांड है जिन्होंने गेमिंग सेंट्रिक एक ब्रांड बनाया है आईको। इसका एक फ़ोन ऑलरेडी मार्केट के अंदर आ रहा है आईको नियो 3। ये बेसिकली एकदम फ्लैगशिप लेवल का फ़ोन है जिसके अंदर आपको सारी चीज़ें फ्लैगशिप लेवल की मिलेगी, लेकिन प्राइस फ्लैगशिप किलर वाली है। तो फिर उन्होंने सोचा कि मिड रेंज के अंदर भी एक मस्त वाला धमाका कर देना चाहिए। रीजन बीइंग कि यार इस ब्रैकेट के अंदर आपके पास वही गिने चुने सेम फोन आपको देखने को मिलेंगे, Poco X2 या फिर Redmi Note 9 Pro Max, और मतलब ये गिने चुने आपको फोन देखने को मिलेंगे जिसके अंदर आपको 17-18 हज़ार 20 हज़ार खर्च करके भी आप Snapdragon 730 765G मैक्सिमम ले पाएंगे, लेकिन आपको कोई भी फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। तो यही आईको ने किया बड़े स्मार्टली, जो आईको नियो 3 है उस फोन का मतलब सेम चीज़ उठा के चिपका दी, सिर्फ प्रोसेसर वहाँ पे स्नैपड्रैगन 865 दिया था, यहाँ पे MediaTek Dimensity 1000 आपको दिया है। और दोस्तों मैं फ्रैंकली बताऊँ MediaTek Dimensity 1000 जो प्रोसेसर है काफ़ी अच्छा खासा प्रोसेसर है, मतलब काफ़ी मस्त वाली परफॉर्मेंस आपको निकाल के दे देगा जितने भी मिड रेंज वाले फोन के जो आज के डेट में प्रोसेसर आते हैं उनसे बेटर है। दोस्तों बात करते हैं हम डिस्प्ले की, तो 6.57 इंचेस की IPS LCD पैनल दिया है जिसकी रिफ्रेश रेट रहेगी 144 हर्ट्ज़। अगर आप गेमिंग वगैरह करते हैं तो आपके लिए तो ये जन्नत है, और साथ ही 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो, SDR का आपको सपोर्ट 10 का सपोर्ट देखने को मिलेगा, और फ्रंट के अंदर आपको एक पंच होल देखने को मिलेगा जिससे आप 16 मेगापिक्सल की सेल्फीज आराम से ले सकते हैं। और दोस्तों इसके अलावा अगर आप बैक की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको वर्टिकली 3 कैमरे दिए गए हैं, मतलब मिड रेंज फोन के हिसाब से मतलब 3 कैमरे 4 कैमरे में कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। इनफैक्ट फ्लैगशिप्स में मैं कहता हूँ कि मैक्रो वाला जो लेंस देते हैं ब्रांड्स कोई खास उतना वैल्यू रखता नहीं है, क्योंकि इतनी खास कौन फोटोग्राफी करता है, मतलब आप खुद बताइए कि जिंदगी में कितनी बार फूल पत्तियों की आपने फोटो अपलोड करी है। हाँ अगर आपका वो वाला कैटेगरी में अगर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो अलग बात है, बट 99% जनता शायद उसको यूज़ भी नहीं करती है। तो यहाँ पे आपको 14 मेगापिक्सल का मेन शूटर f2.0 आपको देखने को मिलेगा, और आपका जो मेन सेंसर है 48 मेगापिक्सल का f1.8 के साथ, और बाकी जो दूसरे सेंसर्स हैं 8 मेगापिक्सल का आपका अल्ट्रा वाइड एंगल शूटर और 2 मेगापिक्सल का आपका मैक्रो फोटोग्राफी वाला लेंस दिया हुआ है। दोस्तों इसके अलावा हम रैम और स्टोरेज की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको 8GB 6GB दो अलग अलग रैम वेरियंट देखने को मिलेंगे, साथ ही अगर मैं स्टोरेज की बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको 128/256 वाले दो वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे, साथ में LPDDR4X रैम देखने को मिलेगी, और स्टोरेज जो है UFS 2.0 2.1 इनफैक्ट। तो यार यहाँ पे मतलब मिड रेंज के हिसाब से बहुत सही है, मतलब आप LPDDR5 एक्सपेक्ट नहीं कर सकते मिड रेंज के अंदर क्योंकि इनकी प्राइस मिड रेंज वाली है। और इसके अलावा इसके अंदर एक मस्त वाला फीचर है Multi Turbo 3.5 जो आपकी परफॉर्मेंस को एकदम बूस्ट कर देगा, और आपकी जो कूलिंग है फ़ोन के अंदर वो लिक्विड कूलिंग है जिसकी वजह से जो टेम्परेचर्स हैं अगर आप एक्सट्रीम गेमिंग करते हैं या हार्डकोर गेमिंग करते हैं या बहुत ज़्यादा GPU या फिर CPU सेंट्रिक अगर कोई टास्क करते हैं तो वहाँ पे फ़ोन की जब धुआं निकलता है तो वहाँ पे मदद मिलेगी। यहाँ 10 से 12 डिग्री का जो टेम्परेचर है वो कम रहेगा, आपका फ़ोन इतना हीट नहीं होगा आप लगातार गेम्स खेल रहे हैं तो भी। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं बैटरी की। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सीधी सी बात है आजकल बहुत सारे ब्रांड्स मतलब बैटरी पे बहुत फोकस कर रहे हैं, और मतलब बैटरी के अंदर आप शायद ही कोई एक ऐसा ब्रांड होगा कि जिसके अंदर आप शिकायत कर सकते हैं। इनफैक्ट अब तो एप्पल भैया ने भी अपनी आदतें सुधार ली हैं, जहाँ वो 2500-3000 mAh की बैटरी देते थे, अब वो भी 4000 तक टच कर रहे हैं, तो होपफुली इस बार आईफोन 12 के अंदर आपको 4000 mAh की बैटरी मिल सकती है। बाकी अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो 4500 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, और जो चार्जिंग है बहुत ही मस्त है, 44W की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगी। इसको इन्होंने नाम दिया है सुपर फ्लैश चार्जिंग, जो आपका 23 मिनट के अंदर आपके फ़ोन को 50% तक जूस दे देगा, और साथ ही अगर आपको कंप्लीट चार्ज करना है तो 35-36 मिनट्स के आसपास ही लेगा और आपका फ़ोन पूरा चार्ज हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपको यार वीडियो पसंद आया तो यार वीडियो को लाइक कर दो,
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दो, पास में जो बेल आइकन है उसको डेफिनेटली प्रेस करना, अदरवाइज मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगी। और दोस्तों इन सारी चीज़ों के बाद अगर मैं कुछ मिसलेनियस फीचर्स की बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको छेद देखने को मिलेगा। 3.5mm जैक है, NFC का सपोर्ट है, इसी के अलावा आपको यहाँ पे डुअल बैंड 5G NSA और SA दोनों बैंड्स देखने को मिलेंगे। जनरली क्या होता है कि कई बार ब्रांड्स कंजूसी कर लेते हैं, सिंगल बैंड मिलता है लेकिन यहाँ पे वो भी है। डुअल बैंड वाईफाई देखने को मिलेगा और वाईफाई 6 का सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो मतलब यार बहुत सारी चीज़ें इन्होंने दे दी हैं, मतलब इस फ़ोन को मिड रेंज फ़ोन कहना थोड़ी सी नाइंसाफ़ी होगी क्योंकि उसके अंदर काफ़ी हद तक फीचर्स आपके फ्लैगशिप वाले हैं। मतलब मैं अगर कहूँ कि अपर मिड रेंज और लोअर एंड फ्लैगशिप के बीच की अगर कोई कैटेगरी है तो ये उस कैटेगरी के अंदर एकदम फिट बैठता है। और हाँ, साथ में आपको टाइप सी का सपोर्ट दिया है बिकॉज आजकल सारी दुनिया टाइप सी चाहिए, सबको सी चाहिए बस। और दोस्तों इन सारी चीज़ों के बाद हम बात करते हैं कलर्स की और कितना पैसा आपको पे करना पड़ेगा। यहाँ पे सिल्वर और ब्लू दो कलर्स देखने को मिलेंगे। अब मैं बात करता हूँ पैसे की, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ 6GB 128GB वेरिएंट की, वो आपको पड़ेगा 23,490 रुपीज़। ये करेंसी कन्वर्जन के बाद है, थोड़ा बहुत प्राइस ऊपर नीचे हो सकती है। अब वहीं अगर मैं बात करता हूँ 6GB 256GB की तो वो आपको पड़ेगा 26 से 27 हज़ार रुपये के आसपास। और जो लास्ट वाला वेरियंट है 8GB 256GB वो अराउंड 29,000 to 30,000 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये फोन आपको जुलाई के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार ये तो कैसे आप कह सकते हैं कि फ्लैगशिप मिड रेंज वाला फोन है। तो सर प्राइस सुन के आप में से बहुत सारे बंदे कहेंगे कि यार ये कौन सा मतलब मिड रेंज वाली कैटेगरी वाला फोन है। तो यार मैं आपको फ्रेंकली कहूँ कि यहाँ पे MediaTek Dimensity 1000 मिल रहा है। ये MediaTek की तरफ से आने वाला एक फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर है और इसको अगर आप बेंचमार्क्स के हद तक अगर कंपेयर करते हैं तो आपको स्नैपड्रैगन सीरीज के अंदर स्नैपड्रैगन 855 प्लस और स्नैपड्रैगन 865 के बीच कहीं ये स्टैंड करता है। और क्रीम का जो 990 वाला प्रोसेसर आता है उससे भी ये ऊपर है। तो यार मतलब बहुत अच्छी खासी परफॉर्मेंस आपको दे देगा। साथ में अगर 24-25 हज़ार रुपये अगर आप खर्च कर रहे हैं तो आपको काफ़ी अच्छा खासा माल मसाला मिल रहा है। अगर आपका टारगेट गेमिंग या फिर आपका प्रोसेसर सेंट्रिक अगर काम आपको करना है तो डेफिनेटली इस फोन को कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बहुत मस्त मस्त फोटोग्राफ्स खींचने हैं तो फिर आप अपनी चॉइस को थोड़ा सा शिफ्ट कर सकते हैं दूसरे ब्रांड की तरफ। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दो, पास में जो बेल आइकन है उसको डेफिनेटली प्रेस करना। और मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए चेक बाय बाय। और एक छोटा सा सरप्राइज आपके लिए आने वाला है चैनल में, एक या दो वीडियो में आपको बहुत बड़ी अनबॉक्सिंग देखने को मिलेगी। और मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए चेक बाय बाय। थैंक यू।